हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में आपके लिए है आटे से बनने वाली फजी ब्राउनी, जो बिना अंडों के बनी है और बिना ही डार्क चॉकलेट के बनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ब्राउनी बनाने के लिए सबसे पहले हमें इक्वल क्वांटिटी में चॉकलेट एंड बटर लेना होता है। तो मैंने यहाँ पे सॉल्टेड बटर लिया है और उसके अकॉर्डिंग इक्वली चॉकलेट ली है, वाइट चॉकलेट, क्योंकि मेरे पास डार्क चॉकलेट नहीं थी इसलिए मैंने वाइट चॉकलेट ली है। तो इन दोनों को मेल्ट कर लेंगे। तो मैंने माइक्रोवेव में डीप फ्रॉस्ट ऑप्शन यूज़ करके इनको मेल्ट किया है 4 मिनट्स के लिए। आप चाहें तो 30 मिनट्स पे माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें बीच बीच में हिलाना पड़ता है। लेकिन अगर डीफ्रॉस्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाता है, बीच बीच में हिलाना नहीं पड़ता और ऑयल भी सेपरेट नहीं होता। या फिर आप डबल बॉयलर का यूज़ करके भी इनको मेल्ट कर सकते हैं, बट मुझे ये ऑप्शन ईजी लगता है इसलिए मैंने ये किया है। इसके साथ ही हम OTG को 10 मिनट्स के लिए प्री हीट करने के लिए रख देंगे। अगर आप कढ़ाई में बना रहे हैं तो कढ़ाई को रख देंगे। तो इस तरह से देखिए चॉकलेट एंड बटर दोनों मेल्ट हो गए हैं, तो इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स, तो उनको इस तरह से हम छान कर डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप आटा, क्योंकि हम व्हीट ब्राउनी बना रहे हैं तो मैंने 1 कप आटा लिया है। अगर आपको मैदे की बनानी है तो भी सेम मेजरिंग रहेंगी। तो 1/3 कप मैंने ली है पाउडर शुगर, 2 टेबल स्पून कोको पाउडर। अगर हम डार्क चॉकलेट यूज़ करते हैं तो 1 टेबल स्पून कोको पाउडर हमें चाहिए होता है। तो मैंने वाइट चॉकलेट यूज़ की है इसलिए मैंने 2 टेबल स्पून चॉकलेट पाउडर डाला है, और 1/2 टीस्पून डाला है मैंने बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून डाला है मैंने बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हमारा बेकिंग पाउडर की क्वांटिटी से कम डलता है। तो इन सबको स्टेयर करके हम बाउल में ले लेंगे और अच्छे से मिक्स करके एक मिक्सचर बना लेंगे। अब इस मिक्सचर में हम मिक्स करेंगे 1 कप रूम टेम्परेचर में मिल्क। इसे हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, तो इसको थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे और अच्छे से मिक्स करके एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो इस मिक्सचर को रेडी करने में हमारा 1 कप मिल्क लगा है। तो इसमें हमने बटर यूज़ किया है तो ऑयल की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सॉल्टेड बटर नहीं लिया है तो आप एक पिंच सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा चॉकलेटी मिक्सचर बनके रेडी हो गया है। तो अब हम एक टिन ले लेंगे, उसे ग्रीस कर लेंगे, और ग्रीस करने के साथ ही इसमें हम बटर पेपर लगा लेंगे। बटर पेपर लगाकर उसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ताकि वो अच्छे से उसमें चिपक जाए। इस तरीके से बिल्कुल चिपक गया अच्छे से। तो अब हम इस जो हमने मिक्सचर हमने रेडी किया है उसको इस टिन में पोर कर लेंगे। पूरे मिक्सर को टिन में ट्रांसफ़र करने के बाद इसको थोड़ा सा इस तरह से टैप टैप कर लेंगे ताकि जो एयर बबल्स हों वो निकल जाएं और मिक्सचर हमारा अच्छे से सेट हो जाए। तो OTG को हमने पहले ही प्री हीट कर लिया था, तो अब हम इसमें टिन को रख देंगे। अगर आपने कढ़ाई में बनाना है तो कढ़ाई को प्री हीट कर लेंगे। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि बिगनर्स केक बताया है, रेसिपी बताई है, उसमें मैंने बताया है कि कढ़ाई में केक कैसे बनाते हैं। तो आप इसमें जाके देख सकते हैं कि कढ़ाई को कैसे प्री हीट करना है। तो ओवन को प्री हीट हमने कर लिया था, तो अब हम इसको सिंगल रॉड पे कर देंगे, लोअर रॉड पे, और 40 मिनट्स के लिए सेट कर दिया है 150 डिग्रीज पे। पहले 10 मिनट में हम 150 डिग्रीज पर पकाएंगे, उसके बाद जब ये देखिए 30 मिनट्स हो गए हैं, 10 मिनट्स हो चुके हैं, तो अब हम टेम्परेचर को 100 डिग्रीज पे कर देंगे। तो मेरा छोटा टिन है इसलिए 100 डिग्री सेल्सियस पे ये केक बनकर तैयार हो जाएगा, और OTG भी मेरा थोड़ा छोटा है। अगर 180 डिग्रीज पे बनाते हैं तो ये जल जाता है। तो ये देखिए 30 मिनट्स और हो चुके हैं, यानी कि टोटल 40 मिनट्स बनने में इसको लगे हैं। तो इसको हम बाहर निकाल कर थोड़ी देर के लिए रख देंगे, जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसे कट करेंगे। गरम-गरम कट करने से ये टूट जाता है। तो अब देखिए ये ठंडा हो चुका है, तो इसको हम किसी प्लेट में उल्टा करके टैप निकाल लेंगे। हमने बटर पेपर लगाया था इसलिए ये आसानी से निकल जाएगा। तो इसको उल्टा कर लिया मैंने, अब इस पे से हम टिश्यू पेपर निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारी आटे से बनने वाली फजी चॉकलेटी ब्राउनी बनकर रेडी हो गई है।
तो ये देखिए हमने व्हाइट चॉकलेट का यूज़ किया था, फिर भी एकदम डार्क ब्राउन एंड चॉकलेटी, ऊपर से इसकी लेयर देखिए कितनी चॉकलेटी बनी है। तो फजी ब्राउनी जो होती है नॉर्मल केक से थोड़ी सी हार्ड होती है, क्योंकि इसमें चॉकलेट और बटर ज़्यादा डला होता है। तो ये देखिए मैं आपको कट करके दिखाती हूँ अंदर से कितनी फजी बनी है, और ये ठंडा होने पे हमने कट किया था इसलिए ये प्रॉपर कट हो रहा है। अगर गरम गरम कट करते तो ये ऐसे पाउडर पाउडर हो जाता, पूरा टूट जाता। तो ये खाने में भी उतनी ही टेस्टी बनी है, और खाने से बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि हमने आटे से बनाई है। ये इसका टेस्ट बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसे मैदे की ब्राउनी का होता है। तो ये देखिए कितनी फजी एंड चॉकलेटी ब्राउनी बनकर रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में मेरे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, काफ़ी फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट थी मेरे पास कि हमारे पास OTG या माइक्रोवेव नहीं है तो हम केक कैसे बनाएं। तो मैंने इससे पहले एक वीडियो शेयर की है, बिगिनर्स केक मिक्सचर टू कढ़ाई। तो इसमें मैंने बताया है कि कढ़ाई में केक कैसे बना सकते हैं, तो आप जाकर वो भी ज़रूर चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर काफ़ी सारी रेसिपीज़ अपलोड हो चुकी हैं, तो आप जाकर उन्हें भी चेक कर सकते हैं, और कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, और कौन सी रेसिपी आप देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।